गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट आवर रिसोर्सेज ज्योग्राफी चैप्टर 3 रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड आई हैव ऑल्सो टीच यू अबाउट पावर रिसोर्सेज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ पावर रिसोर्सेज, हाउ मेनी काइंड ऑफ पावर रिसोर्सेज आर फाउंड इन वर्ल्ड, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एंड द कन्वेंशनल पावर ऑफ रिसोर्सेज including coal, petroleum, firewood and petroleum. Now I teach you about natural gas. Natural gas is also a conventional power resources. It is used once and we cannot regenerate again. Natural gas is associated with oil field. It is found in large amount of quantity in USA, United States of America, United Kingdom, Netherlands, etc. And it is also found in other part of the world, but in India, it is found in Bombay High, in Assam, Ganga, Krishna Kaveri Godavari river basins and Andaman and Nicobar Islands. And it is very important nowadays, different kind of vehicles also run with the help of natural gas, and natural gas is also used in domestic and industrial uses. It is the raw material of thermal power plant, and it is used in fertilizers factory, and it is very easily transported one place to another place with the help of pipelines. And day by day, the demand of natural gas is increasing in our country, in the world. And natural gas is very important for domestic use, automobile sector, thermal power plant and fertilizer factories. CNG, LPG and CNG is a very important gas for us. देखिए हम लोग गत चैप्टर में गत टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है पावर रिसोर्सेज शक्ति संसाधनों के विषय में. तो हमने पढ़ाया है कि शक्ति संसाधन जो है दो प्रकार के होते हैं, उनका बहुत महत्व है. आज के डेट में जिस देश में ऐसा नहीं है उसा नहीं वह देश विकसित नहीं है. इसमें दो प्रकार का कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल में हम पढ़ाए थे फायरवुड, कोल और पेट्रोलियम. ये सभी नॉन रियूजेबल रिसोर्सेज हैं. आज हम आपको नेचुरल गैस के विषय में बता रहे हैं. नेचुरल गैस जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पावर रिसोर्सेज है. इसका यह ऑयल फील्ड से संबंधित है और इसका उत्पादन आज के डेट में बहुत बढ़ गया है और इसके द्वारा बहुत सी सवारियां चलती हैं. इसमें थर्मल पावर प्लांट में इसका उपयोग होता है, खाद बनाने वाले फैक्ट्री में इसका उपयोग होता है, घरेलू उपयोग होता है और इसे बहुत से सवारियां भी चलती हैं. आज हमारे देश में लगभग कोई ऐसा घर नहीं है लगभग जहां नेचुरल गैस का प्रयोग नहीं होता है. और यह बहुत उपयोगी है और इको फ्रेंडली है. और इसका हम सबसे बड़ी दिक्कत है, इसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइन के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से. और इसका हम व्यापक उत्पादन भी कर रहे हैं. हमारे देश में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, नए नए क्षेत्र हैं जहाँ पर नेचुरल गैस का उत्पादन खोज हुआ है और उत्पादन भी हो रहा है. और विश्व में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड में होता है. और भारत में कृष्णा गोदावरी नर्मदा नदियों के बेसिन में होता है, असम में बॉम्बे हाई
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में नेचुरल गैस की पर्याप्त भंडार है और वहाँ से उत्पादन भी होता है। और नेचुरल गैस जो है यह बहुत हानिकारक भी है, इसको यदि सावधानी से नहीं प्रयोग किया जाएगा तो बहुत इसका परिणाम हानिकारक होता है। दूसरा है नेक्स्ट जो है नेचुरल गैस के बाद हम हाइड्रल पावर। हाइड्रल पावर इज नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज एंड वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी लार्ज अमाउंट एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सच काइंड सच रिसोर्सेज इको फ्रेंडली एंड वेरी लो कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रल पावर इज प्रोड्यूस फॉलिंग द वाटर फ्रॉम द हाइट एंड फॉल्स ऑन द ब्लेड ऑफ टर्बाइन एंड टर्बाइन इज कनेक्टेड ऑफ द जेनेटर एंड जेनेटर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पावर रिसोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी चीप इन अ कंपेरिजन ऑफ ऑल अदर रिसोर्सेज। सम कंट्री आर फाउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वेरी मच लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राजील एंड चाइना। सच कंट्रीज प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डैम फ्रॉम रिवर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो मेक डिफरेंट काइंड ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स। रिवर वैली कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश फॉर कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड विद द हेल्प ऑफ डैम देर आर डिफरेंट मीनिंग बेनिफिट बाई डैम्स। फर्स्ट इट कंट्रोल द फ्लड एंड रेन वाटर रेन हार्वेस्टिंग वी स्टोर रेन हार्वेस्टिंग एंड इन द लेक इन द टैंक नियर द ब्रैम एंड आफ्टर फॉलिंग यू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ टर्बाइन एंड जनरेटर। इन इंडिया मेनी रिवर वैली आर मेड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी लाइक भखरानंगर कोसी रिवर कॉरपोरेशन हिरन बांध दामोदर वैली। सच डैम ऑल्सो प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गवर्नमेंट ऑल्सो मेक अदर डैम ऑन द डिफरेंट काइंड डिफरेंट रिवर्स टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टूडे फॉर रनिंग मशीन्स रनिंग फैक्ट्री एंड टूडे दोज कंट्री आर डेवलप वेयर रिसोर्सेज आर फाउंड वेरी चीप रेट। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर डेवलपमेंट रनिंग फैक्ट्री एंड स्टेब्लिश इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू स्टेब्लिश कॉटेज इंडस्ट्री एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री। देखिए हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और आप जानते हैं कि पानी के द्वारा बिजली पैदा की जाती है। बिजली जो है जो बांध को बांध करके नदी के धारा को बांध करके और पानी को स्टोर करके ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है टरबाइन पर। टरबाइन जो कनेक्ट होता है जनरेटर से और इसे बहुत मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। और जब जब बिजली पैदा की जाती है तो यह पानी फिर उसको हम नहर के द्वारा फिर अब सिंचाई खेतों में पहुंचाते हैं जहां पर सिंचाई होती है। पानी नदी का पानी एक बूंद भी बर्बाद नहीं होता है। इस तरीके से यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है कि नदी को बांध करके बिजली पैदा करें और वह बिजली बहुत सस्ता होती है और इको फ्रेंडली होती है और हमारे उद्योग धंधे को विकास करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। और
यह जो है हमारे घर में डोमेस्टिक इसका यूज किया जाता है और यह आने वाले समय में हमारे लिए बहुत लाभदायक है। भारत सरकार बहुत से नदी घाटियों का निर्माण की है, जैसे भाखड़ा नंगल, हिरण बांध, गंडक, कोसी, इन नदियों पर बांध बना करके बिजली पैदा की जाती है। और आज विश्व में सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और चाइना में इसका उपयोग होता है, नदी घाटी को बांध करके बिजली पैदा की जाती है। थैंक यू।